सिवनी में रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीणों ने एक अनूठी शादी का आयोजन किया। बारिश के लिए मेढ़क और मेढ़की को बांधकर उनकी बारात निकाली गई। गौरतलब है कि सिवनी में दो हफ्ते से बारिश नहीं हुई है, जिससे किसानों को अब फसल खराब होने का डर सताने लगा है। इसी के चलते ग्रामीणों ने टोने और टोटके का सहारा ले लिया है। जहां आज के समय में मौसम विभाग द्वारा बारिश की स्थिति बताई जाती है, वहीं आज भी कई जगहों पर बारिश ना होने पर इंद्रदेव को मनाने के लिए टोने टोटके किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला लखनादौन तहसील के गणेशगंज गांव के सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने मूसलाधार बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी को बांधकर उनकी बारात निकाली। मान्यता है कि मुसर में मेंढक मेंढकी को बांधकर उनकी शादी कराने से मूसलाधार बारिश होती है। मेंढक मेंढकी को मूसर में बांधने से वह अधिक तड़पता है, वहीं उसे देखकर भगवान इंद्रदेव मूसलाधार बारिश करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब भी बारिश नहीं होती है, इस वर्ष इस तरह का आयोजन किया जाता है, जिससे मूसलाधार बारिश होना शुरू हो जाती है। हमारे ग्राम में विगत कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो आज गांव के सभी लोगों ने मिलकर आज मेंढक रानी नचवाने के लिए मतलब कि गांव में भ्रमण किया है कि बारिश हो जाए, भगवान इंद्रदेव की कृपा हो जाए। हमारे गांव में फसल सूख रही है, इसलिए आज हमने मेंढक रानी के लिए भ्रमण करने के लिए गांव में एक निकाली है रैली। हम भगवान इंद्रदेव से चाहते हैं कि हमारे गाँव में वर्षा हो, किसान लोग खुश रहें, समृद्ध रहें, सभी लोग सुरक्षित रहें, बारिश हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।